हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के संबंध में व्यापार मंडल के अध्यक्ष दुकानों को देर रात बदमाशों ने निशाना बनाया। बदमाशों ने दुकानों के ताले कटर से तोड़ डाले। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और बदमाश कैमरे में कैद हो गई। इस वारदात से गुस्साए व्यापारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस वारदात पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई तो गुन्नौर बाजार बंद रहेगा। आपको बता दें कि ये पूरा मामला गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गुन्नौर कस्बे का है। यहाँ पर एक ही परिवार में जमीनी विवाद चल रहा है। इस वारदात के बाद गुन्नौर के व्यापारियों में भारी आक्रोश है। गुस्साए दुकानदार ने कहा कि उसकी दुकानों में डकैती डाली गई है। इस संबंध में क्या कुछ बोले गुस्साए व्यापारी, आप खुद ही सुन लीजिए। संभल से हमारे संवाददाता विकास ओहलियान की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? मेरा नाम अब्दुल मतीन। क्या है ये जो ये जलेपेरा मार्केट है, थाने के बराबर मस्जिद, थाने के बराबर। रात हमें पता लगा कि हमारी दुकान पे लोग कटर लेके ताले काट रहे हैं, तो हम आए तो हमारी दुकान का इसका कपड़ा ले गए, थोड़ा कपड़ा छोड़ गए। लगभग कितने बजे की घटना है? ये लगभग 12 बजे के बाद की घटना है। फिर सीसीटीवी तोड़ गए, सीसीटीवी उनके फुटेज मौजूद है। फिर आए हमने सब कपड़ा उठा के अपना रख दिया जितना बचा हुआ था इसके अंदर। और यहाँ इसमें दूसरी दुकान में मेरा गोदाम था, उसमें रिफाइंड के टीन थे और क्या नाम है उसकी रिफाइंड की पेटियाँ थी, वो ले गए। अभी कोई तहरीर दी पुलिस को आप? अभी कोई पुलिस को तहरीर नहीं दी है। रात में रात आ गए थे पुलिस, चले गई, अब तहरीर देने जाएंगे। बस हालात बहुत खराब है। नहीं, इतने अपराधी इसी फुटेज में सारे इतने अपराधी, उनका कोई पुलिस का खौफ ही नहीं दिखाई दे रहा हमें उन पर। इतना रात के थाने के किनारे ऐसा कर दिया सब कुछ। 100 मीटर की दूरी नहीं, अव्यस्त रोड है ये। आज हम अपनी दुकानें नहीं खोल रहे, जब अध्यक्ष की दुकानों पे क्या हाल हो रहा है तो हमारी दुकानों का क्या होगा? सुभाष और व्यापार मंडल का उपाध्यक्ष, ये मेरे तीन भाई हैं, मुख्य भी हैं और मेरे व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। इनकी दुकान में रात 12-1 बजे के करीब ताले तोड़े गए और कटर से आगा काटा, कपड़े के गच्छे थे वो ले गए, यही रिफंड था वो भी सब ले गए। और प्रशासन से ये मैं अनुरोध करूँगा कि ये इसकी कार्रवाई जल्दी से जल्दी की है। क्या नाम आपका? चन्ने मियाँ। क्या हुआ है ये घटना कराने में? ये रात की घटना है। रात क्या के मैं यहाँ ताले काट के माल निकाल लिया है। हाँ, जब तक वो शोर हुआ हम लोग भाग के आए, जब तक वो लोग भाग के काफी सामान ले गए। हाँ, ये है। अब कानून कार्रवाई न होगी तो जाहिर सी बात है हम अपनी दुकानें बंद रखेंगे। हाँ, आंदोलन उनके साथ हुआ, कल को किसी कहीं भी हो सके, फिर तो भी लुटाइयां हैं। धरने पे बैठेंगे कार्रवाई? हाँ हाँ, बिल्कुल धरने पे बैठेंगे, कार्रवाई न होगी तो। ये रात में क्या हुआ है तमाम के, और कैमरे तोड़ गए सब दुकान के, बस्ती में डर का माहौल बना हुआ है। हाँ हाँ, बिल्कुल। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम वसीम है। ये मतीन भाई है, मेरा कपड़े का काम है, यहाँ दुकान है। ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, इनकी परचून की दुकान है कपड़े की, और उसके बराबर कपड़े की दुकान और गोदाम है। तो रात करीब 12-12 के बीच में कुछ लोगों ने आन के बाले काट दिए दोनों शटर के, और जो भी माल था सब माल लूट के ले गए। आपको कैसा महसूस हो रहा है? हम रात में जब सूचना मिली, हम सूचना पे पहुंचे, अब हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जब अध्यक्ष की दुकान में, जब हमारे अध्यक्ष की दुकान में ये हाल है, तो और दुकानदारों का क्या होगा? जो छोटे छोटे दुकानदार यहाँ पर हैं कस्बे के अंदर, उनका और क्या हाल होगा? कस्बे में बेहद माहौल व्याप्त हो गया, सारे व्यापारी डरे हुए हैं, ऐसा मतलब कोई भी सेफ नहीं है अंदर, सब व्यापारी डरे हुए हैं, इससे सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। दिन दहाड़े ये सारा काम हो रहा है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।